कांग्रेस महासचिव बनाए थे प्रियंका गांधी 31 जनवरी को अमेरिका से वापस लौटेंगी और 1 फरवरी को महासचिव का पदभार संभाल सकती हैं। इसके साथ ही वो 1 फरवरी को मीडिया से भी बात कर सकती हैं। इस बीच दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर में उनके बैठने के लिए कमरे की तलाश होनी भी शुरू हो गई। खबरों के मुताबिक प्रियंका अपना बेस लखनऊ को बना सकती है और वहीं से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर वो नजर रखेंगी। सूत्रों के मुताबिक फरवरी मार्च में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में 13 रैलियां करनी है जिसकी शुरुआत लखनऊ से हो सकती है। वहीं प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना भी दिखती नजर आ रही है। के लिए बकायदा एक ऑफिस रूम देना जरूरी है जिस तरीके से बाकी महासचिव को दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये दीवार से लगी जितने भी कमरे हैं वो सारे के सारे महासचिवों के लिए हैं और ये जो है यहाँ पे वो लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, स्ट्रेटजी तैयार होती है कि आखिर कैसे जो है आगे रणनीति को बढ़ाना है। सामने आप रूम देख सकते हैं, ये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का रूम है और इसी के आसपास के सारे कमरे जो हैं आप देख सकते हैं, ये मोतीलाल वोरा जो कि महासचिव है उनका एक रूम है। तो जाहिर सी बात है कि अब प्रियंका गांधी के लिए भी एक रूम जो है यहाँ पे उनके ऑफिस के लिए जो है वो तलाश जो है उसकी शुरू है। अगर सूत्रों की माने तो यूपी कांग्रेस कमेटी में भी जो है वो अपना उनके लिए एक जो है रूम तलाशा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ज़्यादातर वो अपनी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में जो जिसकी जिम्मेदारी उनको को कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाए जाने के बाद से ही पार्टी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी का प्रदेश मुख्यालय है यहां पर जगह जगह प्रियंका गांधी के नाम के होल्डिंग लग चुके हैं, बैनर लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की तरफ से उनको शुभकामना भरे जो संदेश हैं वो इन होल्डिंग्स और बैनर्स पर नजर आ रहे हैं। वही प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने के बाद से ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो कार्यालय है वहाँ पर उनके लिए कमरे की तलाश शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव के लिए अपना जो बेस है जो कार्यालय बनाएंगी वो लखनऊ पार्टी कार्यालय जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं पार्टी के कई नेताओं का ये कहना है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो बेहतर होगा क्योंकि एक तरफ जहाँ इससे पीएम मोदी को घेरा जा सकेगा वहीं